हेलो किचन क्वींस एंड किंग्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चीना इन द किचन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। आज हम बना रहे हैं दही के कबाब, बहुत ही सिंपल रेसिपी से। तो यहाँ मैंने ले ली है आधा किलो फ्रेश दही। जब भी आपको दही के कबाब बनाने हो तो कोशिश कीजिए दही ज़्यादा खट्टा ना हो। और अब हमें हंग कर्ड बनाना है, यानी कि दही को हम बहुत गाढ़ा कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बॉल ले लिया है और इसके ऊपर हमने इस तरह से एक छलनी रख दी है। छलनी के ऊपर आप कोई भी मलमल का या कॉटन का कपड़ा रख दीजिए और अब हम इसके ऊपर सारा दही डाल देंगे। और इसके बाद हम दही को लगभग 5 से 6 घंटे के लिए इसी तरह छलनी में रखा हुआ छोड़ देंगे, जिससे कि दही में से सारा पानी अलग हो जाए और हमारा छलनी में बहुत गाढ़ा और क्रीमी दही बच जाएगा। और हंग कर्ड बनाने के लिए हम इसे रखेंगे फ्रिज में, क्योंकि अगर इसे हम बाहर ही छोड़ देंगे इतनी देर तक तो ये खट्टा हो जाएगा। तो चलिए अब इसको कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। और मैंने दही को रात को फ्रिज में रख दिया था और अब सुबह मैंने इसको निकाल लिया है। आप देख सकते हैं दही में से पानी जो है वो अलग हो गया है। इस पानी से आप आटा गूंद सकते हैं या कढ़ी बना सकते हैं, बहुत हेल्दी होता है ये, तो फेंकिएगा नहीं। और अब जो हमारा कॉटन का क्लोथ है जिसके ऊपर दही है, उसको इस तरह से हल्का सा स्क्वीज़ कर दीजिए, जिससे कि जो थोड़ा बहुत पानी बचा भी है वो भी इसमें से निकल जाए। और अब हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही गाढ़ा, बिल्कुल पनीर जैसा लग रहा है ये हमारा हंग कर्ड, बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। तो इसको हम एक बॉल में निकाल लेते हैं। और इसके साथ ही हम यहाँ पर ले रहे हैं लगभग 150 ग्राम्स पनीर, और इसको हमें ग्रेट करके इसमें डालना है। तो जो बहुत ही बारीक वाला ग्रेटर होता है उससे ग्रेट करके पनीर को आप दही के साथ ही मिक्स कर दीजिए। और अब हमें इसमें डालने हैं प्याज। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्याज बहुत ही बारीक काट कर रखा है, तो 2 टेबलस्पून बहुत बारीक कटा हुआ प्याज इसमें डाल देते हैं। साथ ही में डाल देंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 टीस्पून बारीक कटी हुई अदरक और 1 टीस्पून ही बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और अब हम इसमें डाल रहे हैं बाइंडिंग के लिए बहुत ही फाइन ब्रेड क्रम्स या ब्रेड का चूरा। तो यहाँ पर हम 4 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स ऐड कर देते हैं। और अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं सिर्फ 1 टीस्पून जितनी पिसी हुई चीनी या पाउडर्ड शुगर, जो कि दही का खट्टापन बैलेंस करेगी। और साथ ही में डाल देते हैं 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। और बस अब हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और दही के कबाब बनाने के लिए हमारा बहुत ही क्रीमी सा मिक्सचर यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम दही के कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने हाथों को थोड़ा सा ऑयल या घी से ग्रीस कर लीजिए, जिससे कि बैटर जो है वो हाथों में बहुत ज़्यादा चिपके नहीं। और अब लगभग 1 टेबलस्पून जितना मिक्सचर हम इस तरह हाथों पर लेकर गोल शेप दे देंगे, हल्का सा फ्लैट कर देंगे ऊपर से। और अब हम इसको ब्रेड क्रम्स में रैप करेंगे। आप ब्रेड क्रम्स की जगह इसको कॉर्नफ्लावर या ओट्स के पाउडर में भी रैप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आज ब्रेड क्रम्स लिए हैं, बहुत ही फाइन ब्रेड क्रम्स हैं ये। अच्छे से रैप कर देते हैं और एक प्लेट में साइड में रख लेंगे। और इसी तरह से हम सारे मिक्सचर से कबाब बनाकर प्लेट में रख लेते हैं। बहुत ही क्रीमी और बहुत ही डेलिकेट मिक्सचर है ये दही और पनीर का, तो बहुत ही हल्के हाथों से हम इन्हें शेप देंगे। तो यहाँ दही के कबाब फ्राई करने के लिए रेडी है, लेकिन फ्राई करने से पहले हम इनको कम से कम 10 मिनट के लिए डीप फ्रीज़र में रखेंगे, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। और अब 10 मिनट बाद कबाब तलने के लिए मैंने यहाँ पैन में ऑयल गरम कर लिया है। फ्लेम हमने मीडियम रखा है और ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है, तो अब हम इसमें कबाब डाल देते हैं। तो कबाब इस तरह से डालिएगा कि एक दूसरे के साथ वो चिपके नहीं। और अब मीडियम फ्लेम पर ही हम इनको गोल्डन या क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इनको अलटना पलटना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट है। जब आपको साइड से देखने में पता चल जाए कि ये एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं, तभी आप उनको इस तरह चम्मच की हेल्प से दूसरी तरफ सेकने के लिए भी पलट दीजिएगा। और अब कबाब हमारे दोनों तरफ से अच्छे से सिक गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं। तो इनको अब हम एक प्लेट पर निकाल लेते हैं।
और ये गर्मा गर्म दही के कबाब बाहर से बहुत ही क्रिस्पी हैं और जितने बाहर से क्रिस्पी हैं अंदर से उतने ही ज़्यादा क्रीमी है ये। तो जल्दी से आप ये रेसिपी अपने घर में ट्राई कीजिए, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी, घर में सब इसके दीवाने हो जाएंगे। और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसी और इजी टेस्टी क्विक रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल चीना इन द किचन को विज़िट कीजिए, वहाँ आपको बहुत सारी अमेजिंग रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए जिससे कि आपके पास मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन या मैसेज पहुँच सके। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी एक नए वीडियो के साथ।